ऐसे थोड़ा है यार, क्यों रो रही है? ये तो तेरे लिए माँ रोना, भाई रोना नहीं है, हमें रोना है। जो लोग डिस्प्लेस सूचना देंगे उसी टेंशन में लोकल लोग के शायद मन में डॉल ट्रैक्टर, जिसका 10 कनाल गया उसको 25 लाख, अगले को लगा इसको बहुत बड़ी रखा मैंने, सोच तो कोई मालदार जो सोचो तुम्हारे मुमकिन लाख रुपए मार दा, वो चाहे तो जाएगा। इक्कीस पॉइंट पर होगा, हमने इनको दिया जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम भेजी, 4 पॉइंट पे डिस्कस हुआ टोटल। 21 पॉइंट हमने कहा जो पब्लिक दक्षिण डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जमीन लैंड लोकेशन की डिमांड दी है, 4 पे किया, हमने कहा ठीक है हो जाएगा, और कंपनी वाले प्रिपेयर करके आए थे, उनको क्या बोला था यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ड्यूकॉम साहब जो आए थे वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे, उनकी बात से ऐसा लग रहा था कि वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, हमारी की तरफ से वो सफाई दे रहे थे, कंपनी बिल्कुल आईजी साहब ने उस कैप्चर कर दिया, इस कुर्सी में बिठाया, हम लोगों के लिए लड़ रहे, हमारी कोई पर्सनल जमीन थोड़ा नहीं, मेरे का मतलब ये है हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के 125 सरपंच, 750 मेंबर, 13-14 DDCs, BDCs, हम खामोश रहेंगे, फिर तो लोग हमारे ऊपर लड़ मारेंगे, जिन लोगों ने हमारे 1.5 लाख लोगों ने हमें किश्तवाड़, यहाँ कोई MLA नहीं, यहाँ कोई मिनिस्टर नहीं है, यहाँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन DDC मेंबर्स है, सरपंच है, यहाँ के BDC चेयरपर्सन है, वो किस मुंह से जाएंगे पब्लिक के सामने, क्या जवाब देंगे वो? पब्लिक तो पूछेगी ना हमें, हम आप इतने बड़े डिपकाम साहब, एडिशनल DG साहब आए थे, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी, आपने क्या विचार करके अब आप कल जाओगे वहाँ पे लोगों को बोलने के लिए? अच्छा पूजा जी बताएंगे आप क्या हुआ मीटिंग को लेकर, आखिर पर क्या निकल कर आया, क्या आपका जो धरना है वो कंटिन्यू रहेगा, क्या बोला एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या तो यहाँ बात ही नहीं, 12 दिन से वहाँ किसी ने पूछा भी नहीं और ये बोला भी नहीं कि आप खत्म करेंगे, और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मीटिंग से क्या निकल के आया? कुछ भी नहीं निकल के आया, मतलब आप दो घंटे 25 मिनट ये मीटिंग चली, कुछ नहीं निकल के आया, हमारे लोगों को सिर्फ रोना है बस, ये इन्होंने, मैं भी अब देख रही हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे जाएगा, और मैं कहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट स्तर का हर एक बंदा जो चाहता है कि सच में उनको अपने हक हकूक मिले, वो सब मेरा साथ दे बस इस लड़ाई में। पूजा जी बताएंगे आप क्या हुआ मीटिंग को लेकर, आखिर पर क्या निकल कर आया, क्या आपका जो धरना है वो कंटिन्यू रहेगा, क्या बोला एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या धरने की तो यहाँ बात ही नहीं, 12 दिन से वहाँ किसी ने पूछा भी नहीं और ये बोला भी नहीं कि आप खत्म करेंगे या नहीं, तो अब और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मीटिंग से क्या निकल के आया? कुछ भी नहीं निकल के आया, मतलब आप दो घंटे 25 मिनट ये मीटिंग चली, कुछ नहीं निकल के आया, हमारे लोगों को सिर्फ रोना है बस, ये इन्होंने, मैं भी अब देख रही हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे जाएगा, और मैं कहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट स्तर का हर एक बंदा जो चाहता है कि सच में उनको अपने हक हकूक मिले, वो सब मेरा साथ दे बस इस लड़ाई में। इस चीज को खुश है ये कि ये कमजोर है, हम कमजोर थोड़ी है, हमने लड़ना है, रोना नहीं है, तेरे पीछे रोना है नहीं, देखो ना मतलब चलो हर चीज का एक जाते जाते कम से कम इन्होंने इतनी सहमत नहीं की पूछने की मैम आप इतनी सर्दी में वहाँ ऐसे थोड़ा है यार, क्यों रो रही है? ये तेरे लिए था, नहीं रोना, आज वो ये लोग जो भाई रोना नहीं, हमें रोना है, जो लोग डिस्प्लेस सूचना देंगे उसी टेंशन में लोकल लोग के शायद मन में डॉल ट्रैक्टर, जिसका 10 कनाल गया उसको 25 लाख, अगले को लगा इसको बहुत बड़ी रखा मैंने, सोच तो कोई नहीं मालदार जो सोचो तुम्हारे मुमकिन लाख रुपए मार दा, वो चाहे तो जाएगा। 21 पॉइंट पर होगा, हमने इनको दिया जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भेजी, 4 पॉइंट पे डिस्कस हुआ टोटल। 21 पॉइंट हमने कहा जो पब्लिक दक्षिण डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जमीन लैंड लोकेशन की डिमांड दी है, 4 पे किया, हमने कहा ठीक है हो जाएगा, और कंपनी वाले प्रिपेयर करके आए थे, उनको क्या बोला था? यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ड्यूकॉम साहब जो आए थे वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे, उनकी बात से ऐसा लग रहा था
कि वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हमारी की तरफ से वो सफाई दे रहे थे। कंपनी बिल्कुल हमारी कोई पर्सनल जमीन थोड़ा गई मेरे मतलब ये है हम डिस्ट्रिक्ट वार्ड के 125 सरपंच 750 मेंबर 14 DDCs BDCs हम खामोश रहेंगे फिर तो लोग हमारे पर लंड मारेंगे। जिन लोगों ने हमारे 1.5 लाख लोगों ने हमें किश्तवाड़ी यहाँ कोई MLA नहीं यहाँ कोई मिनिस्टर नहीं है यहाँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन DDC मेंबर्स है सरपंचेस है यहाँ के BDC चेयरपर्सन है वो किस मुंह से जाएंगे पब्लिक के सामने क्या जवाब देंगे वो पब्लिक तो पूछेगी ना हमें हम आप इतने बड़े डिपकाम साहब एडिशनल DG साहब आए थे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी आपने क्या विचार करके अब आप कल जाओगे वहाँ पे लोगों को बोलने के लिए। अच्छा पूजा जी बताएंगे आप क्या हुआ मीटिंग को लेकर आखिर पर क्या निकल कर आया क्या आपका जो धरना है वो कंटिन्यू रहेगा क्या बोला एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या धरने की तो यहाँ बात ही नहीं हम 12 दिन से वहाँ किसी ने पूछा भी नहीं और ये बोला भी नहीं कि आप खत्म करेंगी या नहीं तो अब और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मीटिंग से क्या निकल के आया कुछ भी नहीं कुछ नहीं निकल के आया मतलब आप 2 घंटे 25 मिनट ये मीटिंग चली कुछ नहीं निकल के आया हमारे लोगों को सिर्फ रोना है बस ये इन्होंने मैं भी अब देखती हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे जाएगा और मैं कहती हूँ कि जिससे कि स्वयं का हर एक बंदा जो चाहता है कि सच में उनको अपने हक हकूक मिले वो सब मेरा साथ है बस इस लड़ाई में।